हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत मजे की होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं अपने हैंडबैग की कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों को शायद ये नहीं पता है कि मुझे हैंडबैग्स का बहुत शौक है। सो इसी वजह से मैंने कहीं ना कहीं छोटी मोटी हैंडबैग्स की कलेक्शन बनाई हुई है। एंड जब भी मैं बाहर जाती हूँ, चाहे शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी के लिए, या बच्चों को ड्रॉप करना हो, तो आई जस्ट लेफ्ट कैरिंग माई बैग। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इन टू वेरी एक्सपेंसिव बैग्स। I love bags which are reasonable at price and practical at the same time. I love designer's bag. Designer bag किसको पसंद नहीं होते, but अगर मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिले तो मैं definitely I'll go for them. So I think let's not take any further time and get in the collection straight away. So जो first पर्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये Michael Kors का बैग है। It's a crossbody bag, but it's so beautiful and so pretty and I love these beads. You can see guys, it's so pretty. And I bought this bag almost 1 year back, but it's in the same mint condition, you can see from the back also. And मज़े की बात यह है कि बहुत लाइट है एंड आप इसमें बहुत कुछ रख सकते हैं। मैं आपको इसके अंदर से दिखाती हूँ। I'll tell you guys, it's very spacious. आप इसमें अपना wallet, अपनी keys, अपने shades और सैनिटाइजर, बहुत कुछ आप इसमें रख सकते हैं अपना। सो दिस बैग इज सो फॉर्मल, सो क्लासी, इट्स सो मॉडर्न। आई थिंक इस तरह के बैग ऑलवेज इन रहते हैं। आप इसको फॉर्मली भी यूज कर सकते हैं और इसको कैजुअली भी यूज कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इसको मैंने सेल से लिया था। सो आई थिंक मैंने इसको तकरीबन $50 का लिया था। सो इट्स नॉट दैट बैड प्राइस एंड प्राइस के हिसाब से इट्स वेरी नाइस। Bag is so comfortable, it's so girly, I love the color and it's very easy to carry. The next bag I'm going to show you is my most favorite bag. Look at this bag, it is so cute, it is so smart. और इसके साथ ये chain है जो ये छोटी भी हो जाती है और बड़ी भी हो जाती है and I love that color. So this bag, I remember I got it for around $150 to around $200, and I think it's not that bad price because its texture is so soft and it's so light. And trust me guys, I put lots of stuff inside, but still it's very very light and comfortable. So let me show you inside. See, it's so spacious, you can put lots of stuff inside. एंड ये बंद भी बड़े मज़े से होता है। लेट मी शो यू। सो ओ माई गॉड, आई रियली रियली लव दिस बैग। एंड डू यू नो वाई आई लव दिस बैग? बिकॉज दिस बैग एक्चुअली ब्रिंग द पॉप इन योर लुक। सो मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, बड़ा डिफरेंट सा लगा। इट्स अ वेरी स्टेटमेंट एक्सेसरी। व्हाट डू यू थिंक गाइस? आई वॉन्ट योर ओपिनियन एंड योर व्यूज दैट हाउ डू यू लाइक दिस। आई रियली रियली लव दिस। ये दिखने पे तो इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन इसमें बहुत सारी स्पेस है और इसकी ये बैक में भी एक पॉकेट है जिसमें आप कीज डाल सकते हैं। स्पेशली जब मैं आउटसाइड जाती हूँ, जब शॉपिंग के लिए या कहीं भी, सो मोस्टली मैं अपनी कीज या फोन यहाँ पे स्लाइड कर देती हूँ। एंड आई रियली लव दिस बैग एंड आई लव इट्स मटीरियल। और इसकी क्वालिटी बहुत आउट क्लास है, ट्रस्ट मी। एंड यू नो दैट सबसे मजे की जो मुझे इसकी चीज लगती है वो इसकी ये चेन्स है। सी, इट्स सो प्रिटी एंड आई डोंट नो वाई, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद गोल्ड हार्डवेयर। सो आप मोस्टली देखेंगे कि मेरे पास जितने भी मोस्टली बैग्स हैं उनमें गोल्ड हार्डवेयर है। आई डोंट नो वाई, आई थिंक इट्स लुक सो फैंसी एंड मुझे लगता है कि गोल्ड हार्डवेयर आपकी लुक्स को बहुत ज्यादा फॉर्मल करता है। सो जो नेक्स्ट बैग मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये ब्लैक माइकल कोर्स का पर्स है। दिस इज माई फेवरेट पर्स बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी डिसेंट, इट्स वेरी एलिगेंट, ये बहुत स्मार्ट लगता है। और मजे की बात यह कि ब्लैक कलर का है तो ये बहुत सारे आउटफिट के साथ चला जाता है। एंड आई थिंक इसको मैंने ब्लैक फ्राइडे पे अराउंड $120 का लिया था एंड आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस बिकॉज इट्स सो ग्रेसफुल, इट्स सो डिसेंट एंड इट्स सो स्पेशियस, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। इसकी एक अंदर की जिपर पॉकेट्स भी हैं और दो साइड पॉकेट्स हैं
इसके अंदर ये टू सेक्शंस भी हैं और मज़े की बात यह है कि यहाँ से ये बंद हो जाता है और इसके बैक साइड पे भी एक पॉकेट है जिस पे आप फोन स्लाइड कर सकते हैं या कीज रख सकते हैं। सो आई लव दिस बैग और मज़े की बात यह है कि ईस्टर्न वेस्टर्न बोथ लुक के साथ ये जा सकता है। यू वांट टोन डाउन, यू वांट लिफ्ट अप, एनीथिंग यू वांट डू विद योर लुक्स यू कैन कैरी दिस बैग, दैट्स व्हाई आई लव इट। अच्छा जो नेक्स्ट बैग मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बैग एंड दिस इज दिस बैग। आई डोंट नो वाई बट आई लव दिस कलर एंड आई लव दिस स्ट्रक्चर। मुझे ऑलवेज हमेशा इस तरह के स्ट्रक्चर्ड बैग बहुत पसंद है बिकॉज आई थिंक दे आर मोर प्रैक्टिकल एंड दे आर मोर स्पेशियस। इवन आप जिस ये डी शेप नहीं होते, आप इसमें जितनी भी चीज़ें डाल लें तो आई लव देयर शेप एंड आई लव दिस बैग बिकॉज इट हैज़ लाइक दीज टू मिनी हैंडल्स, सो आप इनको यूं एज अ मिनी हैंड बैग के तौर पर कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ये स्ट्रैप है जिसको आप एज अ क्रॉस बॉडी या शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं, बट आई लाइक कि मैं इसको जैसे मिनी बैग हैंड बैग की तरह कैरी करूँ बिकॉज आई लव दिस लुक एंड इट्स वेरी इजी, इट्स लाइट, इट्स नॉट दैट हैवी एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस बैग बिकॉज इट्स सो प्रैक्टिकल, इट्स वेरी स्पेशियस एंड आपको मैं इसके अंदर की स्पेस दिखाती हूँ। सी इट कैन कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ, अब लिटरली आप इसमें अपना वॉलेट, अपने आई ग्लासेस, इवन अपनी कीज के अंदर बहुत ज़्यादा जगह है। इसके अंदर ये जिप वाली स्मॉल पॉकेट्स भी हैं। इसको मैंने अभी तक पहना नहीं क्योंकि कोविड की वजह से हम कहीं बाहर जा नहीं सके, सो जैसे ही अगर कोई रीसेंट पार्टी आएगी तो आई विल डेफिनेटली कैरी इट। द नेक्स्ट बैग आई एम गोइंग टू शो यू इज दिस बैग। It's a dupe of Louis Vuitton. It's not original. I bought it from Amazon. I think it's $50. But it's so spacious and it's so beautiful and so stylish. And look at the inside. Guys, it's so spacious. इसमें बहुत कुछ आ सकता है. It has little pouch thingy inside with this. And इसकी जो अंदर की lining है red and black and I love it. And I use it a lot. I bought it 6 months ago from Amazon and I use it a lot. Look at guys, iski quality, iski finish. Ye kahin se dupe nahi lagta. It's so, so stylish. And I love its quality. This is perfect for traveling and for work. Aur sabse khas baat ye hai ki isme aap jitna bhi stuff bhar lein, this is very light and very comfortable to wear. So that's why. मैं इसको तकरीबन 6 months जॉब पे लेके गई हूँ एंड आई लव दिस बैग। सो नेक्स्ट बैग जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये माइकल कोर्स का बैग है। दिस इज अनदर माइकल कोर्स बैग। सो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे पास मोस्टली माइकल कोर्स के बैग हैं बिकॉज आई लव देयर क्वालिटी एंड आई लव देयर स्ट्रक्चर एंड प्राइस वाइज भी दे आर वेरी रीजनेबल। मोस्टली इनकी सेल्स लग जाती हैं अच्छी और मैं हमेशा बैग सेल पे लेती हूँ बिकॉज अदरवाइज इनकी प्राइसेस आर टू हाई। सो ये बैग भी बहुत स्पेशियस है एंड वेरी कंफर्टेबल है और मज़े की बात यह है कि इसमें अंदर जिप लगी हुई है, सो दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। इसमें ये दो पॉकेट्स हैं, एक जिप वाली पॉकेट्स है इनसाइड, एक अनदर जिप वाली पॉकेट और यहाँ से दिस इज रियली रियली स्पेशियस। एंड आई बॉट इट आई थिंक लास्ट नवम्बर एंड मैंने इसको तकरीबन डेली यूज किया है मगर सी इट्स स्टिल इन द मिंट कंडीशन। आई लव द माइकल कोर्स क्वालिटी, इट्स रियली रियली नाइस एंड कम्फर्टेबल एंड आई एब्सोल्युटली लव द माइकल कोर्स बैग। यू गाइस शुड चेक आउट देयर वेबसाइट, समटाइम्स इस पर बहुत अच्छी सेल्स लगी होती हैं और आपको बहुत अच्छे अच्छे बैग काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। इन बैग का लेदर, इन बैग की क्वालिटीज आर अमेजिंग, यू गाइस शुड चेक आउट देयर वेबसाइट। सो दैट वाज इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वैसे मेरे पास और भी कुछ हैंड बैग्स हैं लेकिन अगर मैं सब दिखाने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा कौन सा बैग सबसे अच्छा लगा एंड प्लीज 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 मुझे जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लीज फॉलो करें।
सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।